चलो अगला लिखो, इन दी सर्कल गिवन बिलो, इन दी सर्कल गिवन बिलो OA वन है, ये y एक्सिस दे रखी है, ये x एक्सिस दे रखी है, OA OA वन दे रखा है, OA वन है और OB 13 है, और PQ जो दे रखी है वो OB के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 दे रखा है, 90 डिग्री, ये टेंजेंट है और ये डायमीटर है। तो PAB PQ भी ट्राइंगल का एरिया चाहिए, PQ भी ट्राइंगल का एरिया चाहिए, फिर से 30 सेकंड में आ सकता है, इतना आसान है ये, और कोई 11th के किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं, 9th या 10th में पढ़े पे कॉन्सेप्ट से आने क्वेश्चन आ जाएगा। सोचने के लिए दिमाग को बोला करो, जल्दी सोचने के लिए, आपने आदत डाल ली होती, नहीं तो धीरे धीरे सोच रहे हैं हम, कोशिश किया करो, हर चीज की कोशिश करनी है। 12√12 24√3 इज द आंसर, बहुत ईजी है, देखना आप अभी देखोगे तो आपको लगेगा कितना ईजी है। ये कितना है बच्चों, 13, डायमीटर है 13, तो रेडियस हो गया 13/2, तो ये हो गया 13/2, बोलो जल्दी बोलो, ये है 13, कितना है, ये एक गया, ये है 12 में से 13/2 गया, कितना हुआ 11/2, कितना हुआ, तो ये आ गया 11/2, बोलो, तो पाइथागोरस ये नहीं आ जाएगा, और हाइट तो पता ही ऑलरेडी, तो हाफ बेस इनटू हाइट, कुछ भी नहीं करना था लिटरली। अरे ये 13 है, ये 1 है, तो ये 12 हो गया, तो इस ट्राइंगल की हाइट हो गई 12, तो हाफ 12, जल्दी बोलो, इस ट्राइंगल की हाइट हो गई 12, अब चाहिए बेस, क्या चाहिए, ये 12 है, कितना है उसमें, ये 13/2 है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये 12 − 13/2 कितना आया 11/2, और ये रेडियस है तो 13/2, तो पाइथागोरस से निकल गया, उसका डबल कर लेंगे, 13 का स्क्वायर − 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 169 में से 121 गया तो 48 by 4, क्योंकि by 2 का स्क्वायर करोगे तो 48/4 12, ये आया √12, कितना आया, तो ये कितना आया 2√12, 12√12, इस रूट 12 को 2√3 लिख के 24√3 इज द आंसर, एकदम सिंपल सा था। देखो ट्रायंगल का एरिया चेस करना है तो एक तरीका होता है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाइट तो क्वेश्चन में गिवन है वो ए बी 12, सिर्फ ये चाहिए थी, ये चाहिए थी तो ये चाहिए, ये चाहिए तो ये पता है, ये मिल जाए, ये पता है, ये पता है, पूरा इतना पता है, तो ये भी मिल गया, सब तो पता था, इसमें कहाँ लगा बताओ, 11th की कौन सी बची थी, तो 9th 10th में पढ़ा हुआ ऑलरेडी है, सब कुछ पढ़ा हुआ है इसमें। नेक्स्ट, टू टैंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू द सर्कल such that the angle between these tangent is tan inverse 12/5, angle between these tangents is tan inverse 12/5, इन दोनों tangents के बीच का angle tan inverse 12/5 है, if the center of the circle is denoted by C and these tangents touch at A and B, these tangents touch circle at A and B, then the ratio of areas of triangle PAB upon CAB,
रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल पीएबी एंड सीएबी, पीएबी ऊपर है सीएबी नीचे, फिर से वही आ गया, सेम है ना ये भी। सोचो एक ही कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन मिल गया इस बार, लेकिन हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट ना देते हुए ये एंगल दे दिया, आना चाहिए आपको इससे। देखो कुछ नहीं करना, कुछ भी लिटरली कुछ नहीं करना, एंगल बिटवीन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लिखा भी पढ़ो, हमने टेन थीटा आर वाई एल लिखा है, क्या लिखा है टेन थीटा, और तो टेन थीटा टेन टू थीटा कितना होता है टू आर बाय एल अपॉन वन माइनस आर बाय एल का होल स्क्वायर, आर बाय एल को भी मैंने टी मान लिया, क्या मान लिया टी, और टेन टू थीटा ट्वेल्व बाय फाइव दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो ट्वेल्व बाय फाइव इक्वल टू टू आर बाय एल अपॉन वन माइनस आर बाय एल का होल स्क्वायर, तो आर बाय एल में क्वाड्रेटिक बन गई फास्ट, क्वाड्रेटिक का एक रूट जो हमारे काम का है वो टू बाय थ्री आ रहा है, क्या आ रहा है, और हमारे रेशो होता है एल बाय आर का स्क्वायर, आर बाय एल टू बाय थ्री, एल बाय आर थ्री बाय टू उसका स्क्वायर नाइन बाय फोर, तो ना आर निकालना पड़ा ना एल निकालना पड़ा, समझ गए, कम ऑन फास्ट, ये रहा टैन थीटा, तो इससे टैन टू थीटा लिखा, और टैन टू थीटा ट्वेल्व बाय फाइव दे रखा है, आर बाय एल का रेशो चाहिए था, आर बाय एल का रेशो का स्क्वायर नहीं करना था, एल बाय आर का स्क्वायर करना था, आर बाय एल की वैल्यू टू बाय थ्री आ रही है यहाँ से क्वाड्रेटिक में, दूसरी नेगेटिव आ रही काम की नहीं है, उसका स्क्वायर कर दिया नाइन बाय फोर। अगला